आज हम बनाएंगे ब्रेड का एक ऐसा चटपटा मजेदार सा नाश्ता जो आपकी शाम की चाय को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर देगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए जल्दी से देखते हैं अपनी इस रेसिपी को। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और आधा चम्मच जीरा डाल दिया है, दो हरी मिर्च मैंने डाल दिया है, एक प्याज बारीक कटा हुआ और एक टमाटर, उसे भी मैंने बारीक काट लिया है, और एक शिमला मिर्च, उसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसे अच्छे से भून लेंगे और फिर डालेंगे इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद के अनुसार। आप चाहे तो इसमें कोई और वेजेज जैसे कि पत्ता गोभी वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने डाल दिया है उबले हुए आलू, आलू को मैंने काट लिया है, आलू को मैंने मैश नहीं किया है, आप चाहे तो इसे मैश भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं आलू को भी अच्छे से भून ले रही हूँ। यहाँ मैंने आलू को थोड़ा मैश कर दिया है, ज़्यादा नहीं मैश किया है, जब हम अपनी डिश को खाएंगे तो आलू के चंक्स पड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहे तो मैश कर सकते हैं, तब भी अच्छा लगेगा। आधा चम्मच मैंने डाल दिया पाव भाजी मसाला और तीन चम्मच मैंने डाल दिया है धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी। मिर्च आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैंने थोड़ा चटपटा बनाया है, मैंने थोड़ी मिर्च ज़्यादा डाली है, आप कम खाना चाहते हो तो कम कर सकते हैं। यहाँ मैंने ब्रेड ले लिया है, ब्रेड का जो ब्राउन हिस्सा है ना, इसे मैंने काट लिया है और फिर मैंने इसे बेल लिया है, रोटी की तरह मैंने इसे बेल लिया है ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। फिर हम अपने इस स्टफिंग को भरेंगे जो आलू की स्टफिंग हमने बनाई थी, और हम थोड़ा सा इसमें चीज़ भी भर रहे हैं, आप चाहे तो चीज़ स्किप कर सकते हैं। किनारों पर मैंने पानी लगा दिया है ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक सके। तो देखिए इस तरह से हमें पानी लगाकर फोल्ड कर देना है। तो देखिए एक तरह का रोल है ये, ब्रेड रोल भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये चिपक गया है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो देखिए मैंने इतना सारा बना लिया है, तो चलिए आइए अब हम इसे डीप फ्राई कर देते हैं। तो देखिए हमारा ब्रेड रोल कितना अच्छा करारा करारा बन रहा है। और इस तरह से अगर हम बिना पानी, ज़्यादातर ब्रेड रोल जो होता है पानी में डिप करके ही किया जाता है, अगर हम पानी में डिप ना करें तो ये तेल थोड़ा कम सोखता है। आप इसे निकालने के बाद टिश्यू पेपर पर रखें। तो देखिए हमने सारी बना ली इस तरह से, शाम के समय चाय के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी, प्लीज इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लीजिए, खाइए और इन्जॉय कीजिए, परिवार के साथ, फैमिली के साथ बनाइए और पार्टीज कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।